नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंगल और यूनिक प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस करंट अफेयर शो में हम 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2018 की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंगल एंड यूनिक प्लेटफॉर्म। टुडे इन दिस करंट अफेयर शो वी विल डिस्कस द इवेंट्स ऑफ 14 to 21 अक्टूबर 2018। सो लेट्स बिगिन विद द ब्यूटिफुल थॉट, एंड द थॉट इज The struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. अर्थात जो संघर्ष आप आज कर रहे हैं वह कल के लिए आवश्यक ताकत विकसित कर रहा है. With this wonderful thought, let's begin with our current affairs quiz. And the very first question is, which country has topped Global Hunger Index 2018? And this has been topped by Belarus. India was ranked 103rd out of 119 countries. This global hunger index indicates the level of hunger and undernutrition. वैश्विक भूख सूचकांक 2018 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? और इसमें देश जो शीर्ष पर रहा उसका नाम है बेलारूस। भारत को इसमें 103वां स्थान प्राप्त हुआ 119 देशों में से। वैश्विक भूख सूचकांक भूख और कुपोषण के स्तर को इंगित करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन ऑब्जर्व्ड? इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 13th अक्टूबर, एंड द थीम ऑफ दिस डे वाज रिड्यूसिंग डिजास्टर इकोनॉमिक लॉसेस। आपदा में कमी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? और ये मनाया गया था 13 अक्टूबर को, जिसका विषय था आपदा आर्थिक नुकसान को कम करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल? एंड इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर 3 ईयर्स, एंड इंडियाज टर्म विल स्टार्ट ऑन January 1, 2019। इंडिया सिक्योर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, दैट इज 188। India's permanent representative to UN is Sayyed Akbaruddin. संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के लिए भारत को कितने वर्षों के लिए चुना गया है? और भारत को 3 वर्षों के लिए चुना गया है। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2019 से प्रारंभ होगा। भारत को सबसे अधिक 188 मत मिले। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं सैयद अकबरुद्दीन। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज इनॉग्रेटेड द 46th एडिशन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट IHGF दिल्ली फेयर? एंड इट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट टेक्सटाइल्स अजय टमटा एट ग्रेटर नोएडा। IHGF दिल्ली मेला के विश्व के सबसे बड़े 46वीं संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? और ये किया गया था केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री अजय टमटा के द्वारा, जो कि ग्रेटर नोएडा में किया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेयर विल ए टेक्सटाइल टूरिज्म कम्प्लेक्स बी कंस्ट्रक्टेड विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹7.8 करोड़, एंड इट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन नोंगपो द रीबोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। 7.8 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ एक कपड़ा पर्यटन परिसर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? और ये किया जाएगा नोंगपो रीबोई जिला मेघालय में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेयर हैज द 6th RCEP इंटरसिस सेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? इट हेल्ड इन सिंगापुर। 6वीं RCEP अंतर सत्रीय मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? और ये की गई सिंगापुर में। नाउ लेट मी टेल यू द फुल फॉर्म ऑफ RCEP। द फुल फॉर्म ऑफ RCEP इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर्स, सॉरी नॉट पार्टनर्स बट पार्टनरशिप। दिस इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 16 कंट्रीज। ये 16 देशों के बीच एक व्यापार समझौता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया चाइना लॉन्च्ड फर्स्ट जॉइंट प्रोग्राम टू ट्रेन द डिप्लोमेट्स ऑफ विच कंट्री? एंड इंडिया हैज जॉइंड हैंड्स विद चाइना टू ट्रेन द डिप्लोमेट्स ऑफ
अफगानिस्तान। भारत चीन ने किस देश के राजनयिकों को प्रशिक्षित करने के लिए पहला संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया है? और ये किया है अफगानिस्तान के राजनयिकों को प्रशिक्षित करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट हैज़ वॉन द यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड, दैट इज FAO, एंड इट हैज़ बीन वॉन बाय सिक्किम, एंड द यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज इन इटली, रोम। किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन भविष्य नीति पुरस्कार जीता है? और ये जीता गया है सिक्किम राज्य के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय है इटली, रोम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड? इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 16 अक्टूबर, एंड द थीम ऑफ दिस डे वाज आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? और ये मनाया गया 16 अक्टूबर को, और इसका विषय था हमारे कार्य हमारा भविष्य है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वेयर हैज़ द सिक्स्थ एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर IISF बिगिन, एंड इट हैज़ बिगिन इन न्यू दिल्ली। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। भारत के अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले IISF का 6वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? और ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रेशम का उत्पादन करने वाला देश है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच मनी विल बी अवार्डेड टू द स्टेट्स कंप्लीटिंग हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन अर्ली, एंड द मनी विच विल बी अवार्डेड इज 100 करोड़, इट विल बी अवार्डेड अंडर सौभाग्य स्कीम। घरेलू विद्युतीकरण को जल्द पूरा करने वाले राज्य को कितना पैसा दिया जाएगा? और इन्हें दिया जाएगा 100 करोड़, जो कि सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली? द पर्सन हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज पॉल एलन। ही वॉज फ्रॉम 1853 टू 2018 अमंगस्ट अस। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? और ये थे पॉल एलन, जो हमारे बीच 1953 से लेके 2018 तक थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ बीन ऑनर्ड एज इंडिया सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2018, एंड द पर्सन हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद दिस ऑनर इज प्रेमा गोपालन, फाउंडर ऑफ स्वयं शिक्षा प्रयोग, दैट इज SSP। वर्ष 2018 के सामाजिक उद्यमी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? जो व्यक्ति जिन्हें सम्मानित किया गया है उनका नाम है प्रेमा गोपालन। ये स्वयं शिक्षा प्रयोग के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, दैट इज NCPCR, एंड द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इज प्रियांक कनुंगो। बाल अधिकार NCPCR की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? व्यक्ति जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है प्रियांक कनुंगो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज़ ऑथर्ड अ बायोग्राफी टाइटल्ड बिल्डिंग ए लीगेसी ऑन लेट अनुमोलू रामाकृष्णा, एंड द पर्सन हु हैज़ ऑथर्ड दिस बायोग्राफी इज चार्टेड अकाउंटेंट वी पटाभी राम। स्वर्गीय अनुमोलू रामाकृष्णा की जीवनी बिल्डिंग ए लीगेसी के लेखक कौन हैं? और इसके लेखक हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट वी पटाभी राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, वेयर विल अ म्यूजियम ऑन प्राइम मिनिस्टर्स बी कंस्ट्रक्टेड? इट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन तीन मूर्ति स्टेट न्यू दिल्ली, विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 271 करोड़। प्रधानमंत्री पर एक संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? और ये किया जाएगा तीन मूर्ति स्टेट नई दिल्ली में, जिसमें लगभग लागत 271 करोड़ की होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व्ड, एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 अक्टूबर।
The theme for this day was coming together with those furthest behind to build an inclusive world of universal respect for human rights and dignity. गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? और ये मनाया गया था 17 अक्टूबर को, जिसका विषय था मानव अधिकारों और गरिमा के सार्वभौमिक सम्मान की एक समावेशी दुनिया बनाने के लिए पीछे के लोगों को साथ मिलकर चलना। क्वेश्चन नंबर 18, Who has won the 2018 Man Booker Prize? And it has been won by Anna Burns for her novel Milkman. 2018 का मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता है? और ये जीता गया है एना बर्न्स के द्वारा, जिनकी नोवेल थी मिल्कमैन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड कंट्री टू लीगलाइज रिक्रिएशनल कैनाबीज? एंड द सेकेंड कंट्री बिकम इज कनाडा। फर्स्ट वाज उरुग्वे। मनोरंजक कैनाबीज को वैध बनाने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? और ये बन गया है कनाडा। पहला देश जो इन्हें वैध बनाने वाला था वह था उरुग्वे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज द 12th एशिया यूरोप मीटिंग ASEM समिट कंडक्टेड? इट वाज कंडक्टेड इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। एंड द थीम ऑफ दिस मीटिंग वाज ग्लोबल पार्टनर्स फॉर ग्लोबल चैलेंजेस। India was represented by our Vice President M. Venkaiah Naidu. 12वीं एशिया यूरोप ASEM शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई? और ये की गई बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। इसका विषय था वैश्विक चुनौतियों के लिए वैश्विक भागीदार। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें उपराष्ट्रपति M. Venkaiah Naidu जी ने किया। Now question number 21. Which country has topped the Global Competitiveness Index 2018? And it has been topped by United States of America. India was at the 58th spot out of 114 nations. वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? और जिस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है उसका नाम है अमेरिका। भारत को इसमें 58वां स्थान प्राप्त था 140 देशों में से। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर? एंड ऑथर ऑफ दिस बुक इज रीमा हुजा। महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? और इसके लेखक हैं रीमा हुजा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, Who has been conferred with the Hridayanath Award for Lifetime Achievement? The person who has been conferred with this award is Mohammad Zahoor Khayyam Hashmi. Lifetime Achievement के लिए Hridayanath पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? व्यक्ति जिन्हें सम्मानित किया गया है उनका नाम है Mohammad Zahoor Khayyam Hashmi. Now question number 24, which fruit has recently got the GI tag? And the fruit which has got GI tag is Shahi Lychee of Muzaffarpur, Bihar. GI stands for geographical indication. First to get GI tag from India was Darjeeling tea in the year 2004. And total products till date which has got the GI tag are 325. हाल ही में किस फल को GI tag मिला है? ये मिला है मुजफ्फरपुर की शाही लीची को, मुजफ्फरपुर बिहार में है। और GI टैग है भौगोलिक संकेत। दार्जिलिंग की चाय को पहला GI टैग मिला था, जो मिला था वर्ष 2004 में। अब तक कुल 325 वस्तुओं को GI टैग मिल चुका है भारत से। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, वेयर हैज़ द इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी ATM इंस्टॉल्ड? एंड इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन बेंगलुरु बाय वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज यूनो कॉइन। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी ATM कहाँ स्थापित किया गया है? स्थापित किया गया है बेंगलुरु वर्चुअल मुद्रा विनिमय यूनो कॉइन के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26,
who had won the Wildlife Photographer of the Year award in junior category. And the person or the child who has won this award is Arshdeep Singh. जूनियर श्रेणी में वन्य जीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है और ये जीता गया है अर्शदीप सिंह के द्वारा एंड दिस इज द पिक्चर फॉर विच दिस चाइल्ड इन द पिक्चर यू कैन सी हैज वोन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर इन जूनियर कैटेगरी ये वो तस्वीर है जिसके लिए ये बच्चा जो 10 साल का आप पिक्चर में देख रहे हैं जिसको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये पिक्चर है जिनके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला नाउ क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज धर्मा गार्डियन 2018 भारत और जापान के बीच पहली बार किए जा रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है इसका नाम है धर्मा गार्डियन 2018 Now question number 28. Where has been India's highest tricolor unfurled? And it has been unfurled on Hajj House, Mumbai. भारत में सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ फहराया गया है? ये फहराया गया है Hajj House, Mumbai में. It is about 350 feet above the ground level. ये लगभग 350 feet ऊपर है जमीनी स्तर से. Now question number 29. Who has bagged the Wildlife Photographer of the Year 2018? And the person who has bagged this award is the Dutch photographer Marshall van Oosten. वर्ष 2018 का वन्य जीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से किसे नवाजा गया है जिन्हें नवाजा गया है उनका नाम है ये हैंड एक डच फोटोग्राफर मार्शल वन ऊस्टन एंड दिस इज द पिक्चर फॉर विच दिस पर्सन हैज बीन अवार्डेड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिसके लिए मार्शल वन ऊस्टन को वन्य जीवन फोटोग्राफर वर्ष 2018 के प्राइज से नवाजा गया है नाउ क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज द नेम ऑफ स्टीफन हॉकिंग्स फाइनल बुक लॉन्च रिसेंटली एंड द नेम ऑफ दिस बुक इज ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस हाल ही में लॉन्च स्टीफन हॉकिंग की अंतिम पुस्तक का क्या नाम है और इस पुस्तक का नाम है ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस नाउ क्वेश्चन नंबर 31 हु हैज सेंड स्पेसक्राफ्ट ऑन 7 ईयर जर्नी टू मरकरी एंड दिस हैज बीन सेंड बाय यूरोप एंड जापान फ्रॉम फ्रेंच गुयाना बुध पर 7 साल की यात्रा के लिए अंतरिक्ष यान किसने भेजा है ये भेजा गया है यूरोप और जापान के द्वारा Now question number 32. Who has been elected as treasurer of World Steel Association? And the person who has been elected is Sajjan Jindal. And the headquarter of Steel Association is in Brussels, Belgium. विश्व स्टील एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और व्यक्ति जिन्हें नियुक्त किया गया है उनका नाम है सज्जन जिंदल विश्व स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है नाउ क्वेश्चन नंबर 33 हु विल रिसीव द कार्नोट प्राइज फ्रॉम द आईवी लीग यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया द पर्सन हु विल रिसीव दिस अवार्ड इज आवर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल फॉर डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन टू एनर्जी पॉलिसी पेंसिल्वेनिया की आईवी लीग विश्वविद्यालय से कार्नोट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है जिन्हें प्रदान किया गया है उनका नाम है हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को ऊर्जा की नीतियों के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है नाउ क्वेश्चन नंबर 34 हु हैज वोन द यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर हर वर्क अगेंस्ट सेक्स स्लेवरी एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन एंड द पर्सन हु हैज वोन दिस इज इंडियन ओरिजिन मीनल पटेल डेविस यूएस का राष्ट्रपति पदक सेक्स दास्ता और श्रम शोषण के खिलाफ कार्य करने के लिए किसे प्रदान किया गया है ये प्रदान किया गया है भारतीय मूल की मीनल पटेल डेविस को नाउ क्वेश्चन नंबर 35 विच कंट्री हैज बीन नेम्ड मोस्ट वैल्यूएबल नेशन ब्रांड
The country which has been named is United States of America. The brand value of $25,899 billion. At the second spot was China with brand value of $12,779 billion. India was at the ninth spot with a brand value of $2,159 billion out of 50 countries. किस देश को सबसे मूल्यवान राष्ट्र ब्रांड नामित किया गया है? और देश जिसे नामित किया गया है वह है अमेरिका, जिसकी ब्रांड कीमत है $25,899 billion. दूसरे नंबर पे चाइना जिसकी ब्रांड वैल्यू है $12,779 billion. भारत में इसको नौवां स्थान प्राप्त था, जिसकी भारत की ब्रांड कीमत थी $2,159 billion. Now let's discuss a few questions from the world of sports. Question number 36. Who has won the 8th Sultan of Johar Cup 2018 Junior Men? It has been won by Great Britain by beating India. It held at Johor Bahru, Malaysia. 8th Sultan Johar Cup 2018 किसने जीता है? और ये जीता गया है ब्रिटेन के द्वारा भारत को हराकर. ये हुआ था जोहर बहरू जगह जो मलेशिया में है. नाउ क्वेश्चन नंबर 37. हु हैज वॉन द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अवार्ड एंड इट हैज बीन वॉन बाय सुहेल एफ टंडन. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पुरस्कार किसने जीता है? और ये जीता गया है सुहेल एफ टंडन के द्वारा. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. हु हैज साइन द रिचेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इन द स्पोर्ट्स हिस्ट्री एंड इट हैज बीन साइंड बाय प्रोफेशनल बॉक्सर कानेलो अल्वारेज. खेल इतिहास में सबसे अमीर अनुबंध पर हस्ताक्षर किसने किया है? और ये किया गया है पेशेवर मुक्केबाज कानेलो अल्वारेज. एंड दिस वॉज वर्थ $365 million फॉर 5 years विद स्ट्रीमिंग सर्विसेज DAZN. ये लगभग 5 सालों के लिए $365 million का स्ट्रीमिंग सेवा DAZN के द्वारा अनुबंध था, जिस पर ये पेशेवर मुक्केबाज कानेलो अल्वारेज ने हस्ताक्षर किए. नाउ सम करंट अफेयर्स फ्रॉम द समर यूथ ओलंपिक गेम्स 2018. दीज गेम्स हेल्ड एट ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना. इन दीज गेम्स फर्स्ट पोजिशन वॉज हेल्ड बाय रशिया विद 27 golds, 16 silver, 12 bronze and total 55 medals. Second position was held by China with 18 golds, 9 silver, 9 bronze and total 36 medals. Third position was held by Japan with 15 gold, 12 silver, 12 bronze, 39 total medals. India was at 17th position with 3 golds, 9 silver, 1 bronze and 13 total number of medals. Flag bearers from India in the opening ceremony was Manu Bakir and at the closing ceremony was Jeremy Lal Ringa. Now some focus on Para Asian Games 2018. These games held at Jakarta, Indonesia, and the country with 172 gold, 88 silver, 59 bronze and total 319 medals. China was at the first spot with 53 gold, 45 silver, 46 bronze and total 144 medals. South Korea was at the second spot with 51 gold, 42 silver, 43 bronze, total 136 medals. Iran was at the third spot with 15 golds, 24 silvers, 33 bronze, total 72 medals. India was at the ninth spot. And the flag bearer from India in the opening ceremony was Mariappan Thangavelu. And the mascot of this Para-Asian Games was Bondol Eagle named Momo. That's all in this current affairs show. Thanks for watching this. Please do share and subscribe our channel, that is single and unique platform. Thank you. Dhanyavaad.